भूतिया हॉस्पिटल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। असल में ये एक भूतिया हॉस्पिटल था, जहाँ के डॉक्टर और नर्सें सभी भूत थे। वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का इलाज करने के बहाने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते और फिर उन्हें मारकर उनका दिल खा जाते। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाकर बहुत अच्छा किया। अब आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब इनका अच्छे से इलाज करेंगे। ये कहकर वार्ड बॉय जख्मी आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। लेकिन कुछ समय बाद वार्ड बॉय वापस आया और बोला, माफ करना, जिस आदमी को आप लाए थे वो नहीं बच सका। लेकिन उसको तो बस पैर पर चोट आई थी। पैर पर चोट लगने से कैसे कोई मर सकता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वार्ड बॉय की बात सुनकर वो दोनों आदमी वहां से चले गए और वार्ड बॉय अंदर ऑपरेशन थिएटर में आ गया। डॉक्टर साहब, मैंने उन आदमियों को भेज दिया है, अब हम आराम से इस आदमी को खा सकते हैं। बस ऐसे ही लोग हमारे पास इलाज के लिए आते रहे और हम उनका दिल खाकर रोज पार्टी करते रहे। बहुत महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मोहित नाम का आदमी अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के सीने में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से इनका इलाज कर दीजिए। लगता है इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन इनके सीने में तो मामूली सा दर्द है। सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाकर इनका इलाज करता हूँ। वार्ड बॉय और डॉक्टर मोहित के पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले गए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर और वार्ड बॉय मोहित के पास आए और बोले, माफ कीजिएगा, हम आपके पिताजी को नहीं बचा सके। क्या? लेकिन उन्हें तो मामूली सा दर्द था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सीने का कोई भी दर्द मामूली नहीं होता। मोहित अपने पिताजी की लाश लेकर घर लौट आया, लेकिन उसे डॉक्टर की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे पिताजी ऐसे नहीं मर सकते, मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। ये सोचकर वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा और चुपके से ऑपरेशन थिएटर में छुप गया। अब देखता हूँ ये डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, नर्सेस और वार्ड बॉय एक पेशेंट के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए। चलो इसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सभी अपने भूतिया रूप में आ गए। ये देख कर मोहित डर से कांपने लगा। ये सब तो भूत है। चलो जल्दी से इसका दिल निकालते हैं। मजा आ गया। मुझे इंसानों का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा हमें भी खिलाइए डॉक्टर साहब। लो तुम भी खाओ और तुम भी लो। भूतों को इंसानी दिल खाते देख मोहित को उल्टी आ गई और भूतों ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ गलती से आ गया, मुझे जाने दो। ठीक है, चले जाओ, बस अपना दिल हमें दे जाओ। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं एक दिल के बदले कल तुम्हें दो दिल ला कर दूंगा। क्या, दो दिल? हाँ, मैं कल दो इंसानों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। एक के बदले दो, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम कल नहीं आए तो। नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर मोहित अपनी जान बचाकर भूतिया हॉस्पिटल से निकल आया। आज तो बच गया, लेकिन कल इन भूतों के लिए मैं दो आदमी कहाँ से लाऊंगा? वो ये सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसने सामने दीवार पर लिखा देखा, बंगाली तांत्रिक, किसी भी तरह के भूत प्रेत के इलाज के लिए संपर्क करें, एक बार इस तांत्रिक से मिलकर देखता हूँ। मोहित तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। चिंता मत कर बेटा,
तेरी चिंता आज से मेरी हुई। अब देख मैं उन भूतों का क्या करता हूँ। अगले दिन मोहित भूतिया हॉस्पिटल पहुँचा। तुमने तो कहा था तुम दो इंसान लेकर आओगे, बताओ कहाँ है दो इंसान? जल्दी बताओ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी बताओ, भूख लगी है। दो इंसान नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ताकतवर तांत्रिक लाया हूँ। तो तुम हो वो चारों भूत? तांत्रिक, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। चीटिंग तो तुम लोगों के साथ करते हो, इलाज का बहाना बनाकर उनका दिल खाते हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तभी तांत्रिक ने एक बहुत ताकतवर मंत्र पढ़ा। अंत्र मंत्र तंत्र, चारों भूत बोतल में बंद। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चारों भूत तांत्रिक की बोतल में आ गए। इस तरह एक तांत्रिक की मदद से मोहित ने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया और उन चारों भूतों को पकड़ाकर भूतिया हॉस्पिटल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 2। कहानी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद शहर से बाहर सुनसान इलाके में एक हॉस्पिटल था जो पूरी तरह जल चुका था और भूतिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। शाम होने के बाद कोई उस हॉस्पिटल एरिया से गुजरने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कैद थी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की खौफनाक भूतिया आत्माएं। बात 10 साल पहले की है। गाजियाबाद का वो हॉस्पिटल काफी मशहूर था, क्योंकि वहाँ जो भी मरीज आता वो ठीक होकर ही वापस जाता था। लेकिन उस हॉस्पिटल का एक काला सच भी था जो लोगों को मालूम हुआ और हॉस्पिटल जलाया गया। हॉस्पिटल में कलंक नाथ नाम का सर्जन था जो सर्जरी में तो माहिर था, लेकिन सर्जरी के साथ साथ काले जादू का सहारा भी लेता था। मेरे बाबा बच तो जाएंगे ना? डोंट वरी, सर सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के साथ काली जादू का नंगा नाच चलता था। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे स्वाहा। डॉक्टर, पेशेंट की धड़कन थम गई है। उसके दिल में अपना सबसे लंबा नाखून फंसाओ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे स्वाहा। इस प्रकार कलंकनाथ पेशेंट की जान तो बचा लेता था, लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने आता। थैंक्स सर, आपने मेरे बाबा को बचा लिया, मैं आपको दुगुनी फीस दूंगा। मुझे फीस नहीं, खून पीना है। काला जादू करने से इंसानी शरीर की भूख बढ़ती है। सर, ये क्या कह रहे हो आप? नहीं, छोड़िए, बचा नहीं। इस प्रकार कलंकनाथ ने फीस के तौर पर अनगिनत लोगों को मारा था। जैसे ही बाहर ये बात फैली, लोगों की भीड़ ने कलंकनाथ और उसके स्टाफ को पूरी तरह मारा और हॉस्पिटल को आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। आज इस घटना को 10 साल हुए हैं। कलंकनाथ और उसका भूखा भूतिया स्टाफ चीख चीख कर हॉस्पिटल की पुरानी दीवारों की दरारें बढ़ा रहा है। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए। सब्र कीजिए सर, कोई ना कोई आता ही होगा। गाजियाबाद में नटवर लाल नामक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा अमन किसी एक्सीडेंट के कारण 6 महीने से कोमा में था। नेशनल इंटरनेशनल सभी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर नटवर लाल ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची और गाजियाबाद के बड़े बंगाली तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने अमन के शरीर का काफी देर तक बारीकी से अभ्यास किया और फिर हताशा से बोला, ये तंत्र विद्या के बस की बात नहीं है, इसे ठीक करना है तो बस एक ही ठिकाना बचा है अब। कौन सा ठिकाना? भूतिया हॉस्पिटल। ये सुनकर नटवर लाल कांप गया। What? आप भूत प्रेतों का इलाज करते हो और आप ही भूतों से इलाज लेने को कह रहे हो? कलंकनाथ अवश्य एक भूत है, लेकिन एक टॉप सर्जन भी था, काली विद्या का स्वामी भी है। तुम्हारे बेटे को डॉक्टर और तांत्रिक दोनों की आवश्यकता है, और मैं सिर्फ तांत्रिक हूँ, डॉक्टर नहीं। फिर क्या, अपनी जान मुट्ठी में लेकर नटवर लाल भूतिया हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बंद दरवाजे 10 साल बाद फिर से खुल गए। जिंदा नटवर लाल का ताजा मांस देखकर नर्सिस के मुंह में पानी आ गया। वो नटवर लाल के इधर उधर मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगी। मैंने कहा था ना डॉक्टर,
कोई ना कोई आएगा, देखो देखो आ गया। ये सुनकर भयभीत नटवरलाल हाथ जोड़कर बोला, देखो कलंकनाथ, मैं यहाँ तुम्हारा शिकार बनकर नहीं, एक दुखी बाप बनकर एक सर्जन से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे बेटे को कोमा से निकालो और प्लीज मुझे भी मत मारो, मुझे मेरी जान प्यारी है। ठीक है, छोड़ दो इसे, तुम अपने बेटे को लेकर आओ, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा, लेकिन एक बलि लूंगा, तू नहीं तो तेरा बेटा। सर्जरी के बाद किसी ना किसी को तो जरूर खाऊंगा, बोलो मंजूर है? नटवरलाल असहाय था, उसे कलंकनाथ की शर्त माननी पड़ी। रात भर उसे नींद नहीं आई, पड़ा पड़ा सोचता रहा कि किसकी बलि दी जाए, क्योंकि उसे बेटा भी प्यारा था और बेटे से बढ़कर अपनी जान भी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया? क्यों ना सर्जरी के बाद उसी तांत्रिक को बलि का बकरा बनाया जाए, तांत्रिक है, तंत्र मंत्र जानता है, बच गया तो कलंकनाथ खत्म, मर गया तो भी मेरे बाप का क्या जाता है। दूसरे दिन नटवरलाल अपने बेटे को भूतिया हॉस्पिटल लेकर गया और अंदर सर्जरी शुरू हो गई। कलंकनाथ भूतिया स्टाफ के साथ सर्जरी में लग गया और इधर नटवरलाल बहला फुसला कर तांत्रिक को ले आया। पापा, अमन, मेरे बच्चे, थैंक्स कलंकनाथ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बोल, अब किसको खाऊं, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को? कलंकनाथ, इस तांत्रिक को खा जाओ, चलो अमन। धोखा, तुमने तो बोला था तंत्र विद्या में कलंकनाथ को मेरी सहायता चाहिए। लेकिन नटवरलाल कहाँ रुकने वाला था, वो अमन को लेकर निकलने लगा और इधर कलंकनाथ और उसके स्टाफ ने तांत्रिक को फाड़ दिया। चलो अमन, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। तभी अचानक सामने कलंकनाथ और उसका भूतिया स्टाफ आ गया। ऐसे कैसे, अब मुझे तिगुनी फीस चाहिए। ये सुनकर नटवरलाल और अमन कांपने लगे। ये धोखा है कलंकनाथ। तो तुमने तांत्रिक के साथ क्या किया, धोखा करना तुमसे सीखा है, नर्सेस पकड़ो दोनों को। सारा भूतिया स्टाफ अमन और नटवरलाल की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते कलंकनाथ और बाकी भूतों ने नटवरलाल के साथ साथ उसके बेटे को भी मार दिया।